अब माताओं बंधुओं मनु ने तो कभी कल्पना ही नहीं की थी महाराज मनु ने कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा, ये भगवान खुद आने को तैयार है। तो महाराज मनु का लालच बढ़ गया, उन्होंने तो ये कल्पना ही नहीं की थी ऐसा भी हो सकता है क्या। तो कहा प्रभु आप आ रहे हैं क्या? बोले हाँ आ रहे हैं। तो कहा ऐसा है, ध्यान दीजिएगा, जब देने वाला देने पे आ जाता है कोई चीज तो मांगने वाले का लालच बढ़ने लगता है, ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई, हम लोग कहते हैं हर लाभ से लोभ बढ़ता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपके पास कोई पत्थर यहाँ गिरा मिल जाए आपको कुंभ में मेले में, और आप उसकी कीमत ना जानते हो और आप सोचे कि पत्थर अच्छा लग रहा है, हो ना हो तो मैं इसको 1000 रुपए का तो लग रहा है। आप जौहरी के पास जाएं और जौहरी कहे कि भैया ऐसा है कि पत्थर मिला है तो बड़ा कीमती, लेकिन ऐसा करता हूँ कि मैं आपको इसके 2000 रुपए दे पाऊंगा क्योंकि रसीद नहीं है। तो आप सोचेंगे इसका मतलब कीमती है, एक के पास मैं क्यों जाऊं, अभी 4 जगह और पूछूं, क्या मालूम 2500 मिल जाए 3000 मिल जाए। माने कहा आप 1000 में संतुष्ट हो रहे थे और कहा 2500 में आप आने लग गए। यही कारण है माताओं बंधुओं के लाभ से लोभ बढ़ता है कि न जाने कितनी प्रॉपर्टी, न जाने कितनी जमीन जायदाद आज भी बिकी नहीं है, लोगों की रखी हुई वैसे के वैसे, वो लेते तो है बेचने के लिए, लेकिन प्रॉपर्टी ब्रोकर के पास जाते हैं तो अरे अगर अभी कल पुल निकलने वाला है यहाँ से, परसों फ्लाईओवर बनने वाला है, नरसों यहाँ से 6 लेन निकलेगी और यहाँ पे कॉलोनी डेवलप हो जाएगी, आपके घर का कीमत 1.5 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, और वो 4 गुना चक्कर में 15-20 साल से वो ऐसे पड़े रहते। लालच अगर देने वाला देने पे आता है तो मांगने वाले का लालच दुगना होता है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। एक घटना से आपको बताऊं, बहुत सुंदर आप समझेंगे उससे। माताओं बंधुओं, एक पति पत्नी थे, तो पति पत्नी में क्या, जो पति थे ना उनको बाजारी करनी नहीं आती थी, बाजारी माने दुकान पे सामान खरीदना खरीद फरोख करते ना, पत्नी करती थी। तो एक बार क्या हुआ कि पत्नी की तबीयत खराब हो गई, तो जब खराब हो गई तो पति देव से उन्होंने कहा ऐसा है वर्षा होने वाली है और एक काम करिए कि एक छाता हमारे लिए ले आइए तो हम फिर जाके दुकानदारी कर लेंगे जो लाना होगा, क्योंकि बरसात होगी बाद में नहीं जा पाऊंगे। पति ने कहा तुम चुप रहो जी, मुझे कोई खरीदना वरीदना नहीं आता है दुकान पे, फिर बाद में मैं छाता खरीद के लाऊंगा तो फिर तुम बोलोगी कि ठग गए और मूर्ख बना लिया तुमको, फिर 4 बात हमको सुनाओगी, हम कोई नहीं खरीदेंगे, हमें नहीं चाहिए कोई ये सब। तो पत्नी ने कहा आप काहे चिंता कर रहे हैं, आप मैं आपको उपाय बता देती हूँ। अरे भाई ये दुकानदारों से जाके अगर सामान खरीदना है तो उसका एक ही फॉर्मूला है। कहा क्या? कहा ये दुकानदार एक का दुगना करते हैं, बस डबल पैसा कहते हैं, आप उसको आधा कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। अब पति गया डायरी में नोट कर लिया, पहुंचा, छाता कितने का है जी? अब सुबह सुबह दुकानदार आरती कर रहा था, दिया अगरबत्ती बोनी का समय था, अच्छे लगे छाता कितने का है, छाता कितने का है, तो थोड़ा खींचते उसने बोला कि ये मान रहे, अरे भैया 16 रुपए का है, फिर अपना आरती करने लग गया। तो ये बोले अच्छा, घुमाया ने कैलकुलेटर, इन्होंने कहा 8 रुपए का देते हो तो मैं लूंगा छाता। तो अब दुकानदार आरती करते करते सोचा कि भाई ये ऐसा ग्राहक पहली बार जीवन में आया, ना 15 बोला, ना 14 बोला, ना 13, ना 12, ना 11, हम लोग जाते हैं तो भाई कुछ रेशियो मार्जिन रहता है कि नहीं रहता, अरे ये सीधा 8 बोल दिया। तो दुकानदार को लगा कि ये खरीदने नहीं आया है, ये मस्करी कर रहा है मुझसे, मजाक कर रहा है। जब हमें कोई चीज बेचनी नहीं होती है या खरीदनी नहीं होती है तो हम उसका वो दाम लगाते हैं जो उस चीज का, वो उस वस्तु का वो दाम ही नहीं रहता, ना बेचनी हो जब ना खरीदनी हो, दोनों में। तो यही बात हुई, 8 रुपए। तो उसको लगा ये हमसे मस्करी करेगा, चलो अब मैं इसको बताता हूं। बोला ठीक है, चल दिया 8 रुपए में ले। आप लोग तो गीता कॉलोनी में रहते हैं, पास में चांदनी चौक है, चांदनी चौक में फेरी वाले घूमते हैं, और फेरी वाले क्या करते हैं जानते हैं? वो इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके इतने का करते रहते हैं, 500 500 500, 1000 1000 जो भी। अब कोई आप गलती से यदि कह देना अरे काहे का 500 100 रुपए की चीज है ये, तो कहेंगे अच्छा 100 रुपए की है तो अब लो 100 रुपए में लेनी पड़ेगी। वो आपको छोड़ेंगे नहीं जब तक आप उनसे सामान नहीं लेंगे, आपने एक बार दाम लगा दिया तो। आपने दाम लगाया कैसे, अब तो लेनी पड़ेगी, वो तो बना ही रहे मूर्ख, लो 100 रुपए में, झगड़े हो जाते हैं कई बार। तो दुकानदार ने भी कहा अच्छा जी दिया 8 रुपए में लो।
तो घुमाए कैलकुलेटर, 8 रुपए, तो अब यदि 4 रुपए में दोगे तब मैं ये लूंगा। तो दुकानदार ने कहा ये बड़ा विचित्र आदमी, 4 रुपए कह रहा है, ये लेना है कि नहीं। दुकानदार ने सोचा बोनी का समय है, अब क्या बहस की जाए। कहा भैया ऐसा है, देखो बोनी का समय है, तुम पहली बार यहाँ आए हो, पहला ग्राहक हो, मैं बहस नहीं करना चाहता, जाओ तुमको 4 रुपए में दे रहा हूं। तो बोले 4 रुपए, अब यदि 2 रुपए में दोगे तो मैं लूंगा। दुकानदार ने अपना सिर पकड़ा, सुबह सुबह किसका मैंने मुंह देखा, कहीं अपना ही मुंह देख के तो नहीं आ गया मैं, ये हो क्या रहा है, ये आदमी चाहता क्या है। अरे भैया तुम हमसे क्यों बहस कर रहे हो, जाओ तुमको हम 2 रुपए में ये दे रहे हैं, पीछा छोड़ो। 2 रुपए, यदि आप 1 रुपए में दोगे तो मैं लूंगा। दुकानदार समझ गया कि ये बहुत मजाक करने के मूड में है, तो उसने कहा भैया ऐसा है, सुबह सुबह भी ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे, मेरे पास 100 काम है, तुम जीते हम हारे, जाओ हमें तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए, हम आपको ये छाता मुफ्त दे रहे हैं, हमारा पिंड छोड़ो। तो कहते मुफ्त दे रहे हो, तो अब यदि 2 छाते दोगे तब मैं यहां से जाऊंगा। तो होता क्या है माताओं बंधुओं, कई बार जब देने वाला देने पे आ जाता है ना, तो लेने वाले का लालच स्वयं डबल होने लगता है। यही हुआ महाराज मनु के साथ। भगवान कहते हैं मनु हमें क्यों नहीं मांग लेते, हमें ही तो मांग लो। सकुच बिहाय मांगू नृप मोही, मोरे नहीं अधेय कछु तो ही। तो मनु कहते हैं अगर ऐसी बात है प्रभु, तो धानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाओ। प्रभु सच सच बता दूं क्या चाहिए, क्या चाहिए मांगो ना। बोले चाहूं तुम्हें, तुमको चाहता हूं। बोले हम आने को तैयार तो हैं। बोले आपको तो इसलिए चाहता हूं क्योंकि आप कह रहे हैं आपको चाहो, कोई हम अपनी मर्जी थोड़ी आपको चाह रहे हैं, ये तो आप कह रहे हैं इसलिए चाह रहा हूं। अच्छा हम कह रहे हैं इसलिए आप हमको चाह रहे हो, वाह बड़ा उपकार किया आप हमारे ऊपर मनु। माताओं बंधुओं यही चालाकी सुतीक्षण ने भी की, जानते हैं प्रभु के साथ। जब प्रभु पहुंचे सुतीक्षण के पास तो कहते हैं सुतीक्षण अरे वरदान मांग लो, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मांग लो। तो सुतीक्षण जी कहते हैं प्रभु ये वरदान और ये मांगना, मैं महात्मा हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और ना मुझे मांगना आता है, कैसे मांगा जाता है। कहा क्या नहीं जानते आप कुछ भी। बोले हाँ प्रभु, मुनि कहो मैं पर कबहू न जाचा और समझी न परई झूठ का साचा। मैं कभी कोई वरदान नहीं मांगा आज तक किसी से, अब मुझे नहीं समझ पड़ता कि क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए, इसलिए मैं इन सबसे दूर रहता हूं। तो भगवान ने कहा ऐसा है, जब आप इतना दूर ही रहते हैं इन सब चीजों से, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, तो अब मत आदत बिगाड़ो, मत मांगो कोई बात नहीं, रहने दो सुतीक्षण। तो सुतीक्षण कहते प्रभु अरे हमने नहीं मांगा आज तक, तो ये हमारी आदत है नहीं मांगे, लेकिन प्रभु यदि आज भी हम नहीं मांगेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा, आप कह रहे हैं मांगो और हम आपके कहने के बाद भी नहीं मांगेंगे तो कितना बुरा लगेगा, वैसे तो हम नहीं मांगते लेकिन आपका दिल रखने के लिए आप इतनी जबरदस्ती कर ही रहे हैं तो फिर कैसे मैं मना कर दूं, फिर तो मना नहीं होता। अच्छा ऐसा है क्या। बोले हाँ प्रभु, तुम्हें नीक लागे रघुराई, आपको यदि इतना ही अच्छा लग रहा है देना तो आपको मैं दिल नहीं दुखी करूंगा। सो मोहि देहु दास सुखदाई, तो दे दीजिए दे दीजिए। तो भगवान ने कहा सुतीक्षण क्या चाहिए बताओ, क्या दे दूं तुम्हें। अरे बोले प्रभु कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत चाहिए, ज्यादा नहीं। क्या थोड़ा बहुत। बोले अबिरल भगति बिरति विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। बिरल भगति बिरति विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। बिरति विज्ञान गुण ज्ञान। तो भगवान ने कहा कि वाह रे सुतीक्षण, जब तुम मांगना नहीं जानते थे, तुम जब नहीं मांगे कभी, तब तो तुम्हारा ये हाल है।
तो कभी तुम मांगने में ट्रेन हो जाते तो जाने क्या कर देते तुम, कयामत ही ला देते, कमाल कर देते तुम। अच्छा हुआ हम पहले तुम्हारे पास पहुंचे, पहले व्यक्ति हैं जो तुमसे कुछ मांगने की तुमको सिखा रहे, इतना तुम पहले से ही ट्रेंड हो गए। तो कहा कि चलो ठीक, कोई बात नहीं, हम तो भक्तों को देते ही हैं। सतीक्षण ले लिया, चलो सब लिस्ट बन गई, ये लो सब आ जाएगा, पहुंच जाएगा, और तो जाए अब। तो सतीक्षण ने कहा अच्छा प्रभु बहुत अच्छे, चल दिया बाप। तो कहा कि और क्या बाकी रह गया। सुतीश्वर कहते हैं प्रभु मैंने कभी जीवन में कुछ मांगा नहीं, और आप इतनी जिद किए, मैं जानता था कि आपसे मैं नहीं लेता तो आप दुखी हो जाते, तो आपका मन रखने के लिए एक तो मैं पहली बार कुछ मांगा आपसे। तो प्रभु यदि मैंने आपका मन रखा है तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप मेरा भी मन रखें? हैं, अकेले अकेले अपना ही मन रखेंगे आप, तो मेरा कौन मन रखेगा? मुझे जो चाहिए था वो कौन देगा? ये तो आपको चाहिए था कि मैं मांगू, तो मैंने मांग लिया। तो कहा क्या इसके बाद भी अब कुछ तुमको भी चाहिए था सुतीक्षण? आ प्रभु, प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, और अब सो देहु मोहि जो भावा। अब तो मुझे जो पसंद है वो चाहिए, ये तो आपकी पसंद पे मैंने किया। तो बोले अच्छा कि तुमको फिर क्या चाहिए, अपनी पसंद के लिए भी बता दो। बोले अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम, मम ही गगन इंदु इव बसौ सदा निहकाम। प्रभु ऐसे मेरे हृदय में बस जाइए, वो निष्काम भक्ति मुझे दे दीजिए, जिसके बाद मुझे फिर कोई कामना ना रह जाए, किसी और के सामने कुछ मांगने की जरूरत ही ना पड़े। तो माताओं बंधुओं ऐसे सुतीक्षण हुए, मांगने पे आए तो कितना मांग लिया। महाराज मनु भी वही चालाकी कर रहे हैं। भगवान ने कहा क्या चाहिए मनु? मनु कहते हैं नाथ दानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सती भाओ। बोलो, बोले चाहू तुम्हें आ रहा हूं। बोले आप तो आ रहे हैं क्योंकि आपने कहा कि मांगो नृप मोही, कोई मेरे कहने पर नहीं आ रहे। बोले आपको क्या चाहिए फिर? बोले समान सुत, आपके जैसा एक बेटा और चाहिए, समान सुत चाहिए। तो कहा अच्छा, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। भगवान ने कहा मनु तुम चालाकी कर गए हमसे। मनु एक बात ध्यान रखना, और माताओं बंधु आप लोग भी एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग उतने बड़े चालाक नहीं हैं जितने बड़े भगवान कृपालु हैं, जितनी वो कृपा करते हैं। हम प्रभु से चालाकियां करते हैं और भगवान हम पर कृपा करते रहते हैं, यही हमारा भक्त और भगवान का संबंध रहता है। आप बताइए, हम लोग कहते हैं भगवान से कि प्रभु मेरी वो मनोकामना पूरी कर दो, मैं वहां भंडारा कराऊंगा, मैं वहां दर्शन करूंगा, मैं वहां लड्डू बांटूंगा, मैं वहां पूरी खिलाऊंगा। तो आपका मनोकामना पूरी होती भी है? तो जब पूरी होती है तो आप उनको पूरी लड्डू और सब भंडारा सब करते भी हैं? तो आपको क्या लगता है कि उस लड्डू के लालच में या पूरी के लालच में भगवान ने आपका वो काम पूरा किया होगा? वो ये देखते हैं कि देखो तो मेरे भक्ति की चालाकी, वो हमको लालच दे रहा है, लेकिन उसको करने दो उसकी चालाकी, हम हमारी कृपा करेंगे। आप एक बात बताइए, आप लोग तो बड़े शहर से हैं, यहाँ पे भी जो ग्रामीण में लोग हैं, आजकल तो हर शहर में सेल लगती है, सेल लगती है ना, सेल धमाका। तो उस धमाका सेल में ये होता है कि भाई दो शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री, दो पैंट पर एक पैंट फ्री, दो के साथ एक फ्री। ये तो हमने आज तक सुनते आए, ये सेल तो हमने आपने देखी है, गए भी होंगे, लेकिन क्या आपने दुनिया में कोई ऐसी सेल देखी है जहां एक के साथ तीन फ्री हो? भाई दो के साथ एक तो फ्री मिलता है, इतना तो जानते हैं। आपको एक बात बताऊं बड़ी मजेदार, जब भगवान की कृपा से 2012 में मैंने नौकरी छोड़ी, और नौकरी छोड़ने के बाद जब मैं भगवान की सेवा में और टूटी फूटी वाणी से राम कथा में जब आने लग गया,
तो लोगों ने पूछा कि आपने क्यों नौकरी छोड़ दी, क्या कारण था नौकरी छोड़ने का। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है कि पहले तो ये छोटे मोटे सरकारों की नौकरी करते थे, आप इस संसार के सबसे बड़े सरकार की नौकरी करते हैं, कोई छोड़ी नहीं है। और दूसरी बात, आप लोग एक बात बताइए, इस विश्व की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, कौन सी होगी? माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स की वही है। कितने उसमें एम्प्लॉयज होंगे? 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, इतने ही होंगे, 2,00,000, मैं जानता नहीं हूं तो इसको संख्या को कोई उसको यूं ना ले, लेकिन इतने ही होंगे, कल्पना है भाई, 10,00,000 भी हो कोई बुरा ना माने, और बड़े उनके। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस संसार की वो कोई सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है। इस विश्व की यदि सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी कोई है तो वो है ये हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामचरितमानस की फैक्ट्री। हम जैसे न जाने कितने छोटे और बड़े संत, आप बताइए। अरे हम लोग तो फिर भी आपको राम कथा सुना रहे हैं, जिनको कुछ नहीं आता लेकर के बैठ के केवल मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुसो दशरथ अजीर बिहारी लेके मंजीरा और ढोलक लिए पाठ कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए भी आप लोग सुबह शाम दोपहर पूड़ी हलवा नाश्ता चाय लेकर के तैयार है, बताइए। और किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में सुबह 9 बजे जाओ, शाम को 8 बजे आओ, खाने का ठिकाना नहीं, सोने का तो भूल जाइए, दिन में मालिक का प्रेशर अलग से है, ऊपर से भैया ये टारगेट है इसे पूरा करना है, वो करना है फलाना। और हमारी देखिए मल्टीनेशनल कंपनी आराम से ठाट से सोते हैं और ठाट से उठते हैं, मर्जी के मालिक है संतों की। अरे भाई साधु की मौज है कहते हैं ना, जब चाहे सो गए। आपको एक घटना बताऊं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बार एक संत के यहाँ गए, तो संत के यहाँ गए तो दिन में संत थे नहीं, तो गए और जाकर के सो गए। तो जब सो गए तो संत घूम फिर के आए तो उन्होंने कहा कि कैसे साधु हैं आप जी, दिन में सो गए आप, दिन में सोना कोई ठीक बात नहीं है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि एक बात बताइए कि क्यों जागे हम, और जागे तो वो लोग जागे, हम क्यों जागे, कौन जागे? गोस्वामी जी कहते हैं जागे जोगी जंगम जति जमाती ध्यान धरे धरे उर भारी सोच मोह गोह काम के, कवितावली उत्तरकांड में लिख रहे हैं। और जागे राजा राजकाज, राजा जागे राज, जागे राजा राजकाज सेवक समाज साज सोचे सुनी समाचार बड़े भैरी बाम के, अपने दुश्मनों का समाचार सुन के वो जागे। जागे बुध विद्याहित पंडित चकित चित और जागे लोभी लालच धरनी धन धाम के, और जागे रोगी रोग ही बियोगी सोगी भोग बस लेकिन सोवे सुख से तुलसी भरोसो एक राम के। हम तो सुख से सोएंगे चाहे दिन हो या रात, जागत सोवत शरण तुम्हारी फिरत स्नेह मगन सुख अपने और नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, कोई सोच कोई चिंता नहीं, उस नाम भगवान के नाम की कृपा है। तो माताओं बंधुओं हम भी जवाब देते हैं कि उस मल्टीनेशनल कंपनी में अर्थ तो मिल जाता है, पैसे की कमी नहीं रहती है, और अर्थ यहाँ पे भी मिल जाता है, दाल रोटी ही सब खाते हैं और दाल रोटी सबकी चल जा रही है।